जब तक साधक सर्वथा प्रकृतिमय जीवन ना जिये जी, तब तक साधना मार्ग में सफलता कल्पना मात्र होती है कठोर साधनाओं के लिए अति अनिवार्य है कि हम अति वैराग्य भाव से निर्लेप होकर प्रकृति के मध्य विचरण करें इसीलिए योगी साधक बहुत कम वस्त्र धारण कर ऐसे स्थानों पर चढ़कर साधनाएं करते हैं जहां साधारण जीव जंतु नहीं जा पाते ऐसे दुष्कर और कलिष्ठ स्थानों को साधना एवं योग हेतु अति उत्तम कहा गया है साधना काल में कम से कम वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि शरीर तादाम में स्थापित करता है इस प्रकृति से और उस ब्रह्मांड से अतः मात्र अंगोछा पहनकर अथवा इस प्रकार से धोती पहनी जाती है कि वो मात्र घुटनों तक ही रहे साथ ही वो ऊन अथवा किसी पवित्र धागे की बनी होनी चाहिए एकांत में साधक को अपने मन का रीचन करना होता है शांति से एकाग्र चित्त हो सर्वप्रथम अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि साधक के भीतर जो हलचल हो रही है वो शांत हो जाए सर्वथा प्रकृति में प्रकृतिमय होकर रहना साधना का प्रथम सूत्र है प्रारंभ में साधक को ध्यान क्या है इसका ज्ञान नहीं होता और होगा भी कैसे क्योंकि ध्यान के विषय में हमने मात्र पढ़ रखा है अथवा सुन रखा है वास्तव में तो हमें ध्यान की भी खोज करनी है मान लिया जाए कि एक साधक को ध्यान का ज्ञान ही नहीं है तो वह किस प्रकार ध्यान लगा पाएगा तो प्रकृति को देखकर और साफ सुथरा ऐसा स्थान चुने जहां आप शांतिपूर्वक बैठ सकें जहां मनुष्य मात्र की आवाजाही ना हो ऐसे स्थान पर शांत मौन और स्थिर बैठना ध्यान तक पहुंचाने में सहायक होता है ध्यान एक ऐसी मनस्थिति है जहां हम मन को भी लांग जाते हैं अर्थात एक विचित्र अवस्था इसीलिए साधना को एक भिन्न प्रकार का परिवेश चाहिए साधना काल में अति संयम एवं अति शुचिता का ध्यान रखना चाहिए साधक जितना प्रकृतिमय होकर और पवित्रता पूर्वक अपने प्रयोग करता है तो अवश्य ही वे प्रयोग फलीभूत होते हैं आप ज्यो ज्यो साधना मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों अनेकों अनेक अनुभूतियां एवं अलौकिक चमत्कारों के आप साक्षी होते जाएंगे, लेकिन आपकी प्रत्येक अनुभूति और चमत्कार आपका निजी होगा अतः उसे अपने पास हृदय में ही धारण कर रखें किसी अन्य को ना बताएं। भीतर जब साधक इन चुनौतियों को स्वीकारता है तो उसे एक अलौकिक पराशक्ति का ज्ञान होता है प्रकृति में सहज पड़े रहना और प्राकृतिक अवस्था में भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरोपासना करना और भिन्न भिन्न माध्यमों एवं प्रयोगों से ईश्वरोपासना करना आपको शीघ्र सफलता प्रदान करेगा हम अपने आप को उसी दिव्य शक्ति से ओतप्रोत समझें इसीलिए यह अति अनिवार्य है कि हम योग्य गुरु के सानिध्य में इस प्रकार की साधनाएं करें क्योंकि जब तक हम किसी विषय में गहरा उतरते नहीं तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होता अतः अनिवार्य है कि हम परम वैराग्य भाव से सभी सुख सुविधाओं का परित्याग कर उस परम पिता परमात्मा की आराधना करें जब धीरे धीरे साधनाओं का विकास होगा तो अलौकिकता की अनुभूति होगी हम साधनाओं में चाहे मंत्र का प्रयोग करें ध्यान अथवा योग का प्रयोग करें वे सभी तप कहलाते हैं और तप के लिए यह अनिवार्य है कि आप तपस्वियों की भांति ही रहें क्योंकि जैसा आपका आचरण होगा साधनाओं पर निश्चित ही उसका प्रभाव होगा अतः आपके वस्त्र आपका भोजन आपका परिवेश वैसा ही अलौकिक चाहिए और एक नियम का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा वो ये कि योगी एक स्थान पर स्थिर रहकर लंबा समय व्यतीत नहीं करता क्योंकि उस स्थान पर विद्यमान गुण और अवगुण कुछ समय पश्चात व्यक्ति को प्रभावित करते हैं अतः आप दो पहर चार पहर अथवा आठ पहर तक साधना कर पुनः अगले स्थान को चले जाएं आपके भीतर दैहिक मानसिक अथवा आत्मिक किसी भी प्रकार के रोग हों तो वे इस प्रकार के कलिष्ट साधनाओं से नष्ट होते हैं। मन को चैतन्य ज्ञान प्राप्त होता है और हम विचित्र अनुभूतियां प्राप्त करते हैं साधनाओं में जब तक साधक कष्ट नहीं सहता तब तक वो अलौकिकताओं को नहीं समझ पाता अतः जितना हम अपने आप को कष्ट देते हैं वो कहीं हमारे लिए हितकर ही साबित होता है और साधक को आलस्य से प्रमाद से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि चंचल हृदय कहेगा कि साधनाओं के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं